टाइप्स ऑफ फोर्स, बलों के प्रकार। ठीक है, ध्यान से समझिए, अब मैं जो समझा रहा हूं बिल्कुल अच्छे से इसको। बल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? दो। नंबर एक संपर्क बल और दूसरा होता है असंपर्क बल। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है संपर्क बल और दूसरे होता है असंपर्क बल। तो संपर्क बल में कौन कौन से आते हैं देखो, इसमें एक तो आता है पेशीय बल और दूसरा आता है घर्षण बल। असंपर्क बल में कौन कौन से बल आते हैं देखिए, असंपर्क बल में चुंबकीय बल, ठीक है, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण। और कोई सा असंपर्क बल है क्या? चुंबकीय हो गया, स्थिर वैद्युत हो गया और गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो संपर्क बल में क्या होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं का प्रॉपर क्या होना चाहिए? संपर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपर्क, ठीक है, तभी ये बल कार्य करेंगे। असंपर्क बल में संपर्क की जरूरत नहीं है, ये बल बिना संपर्क के भी कार्य करते हैं। ये बल है वो बिना संपर्क के भी कार्य करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे संपर्क बल की, और संपर्क बल में नंबर एक पे आ जाता है पेशीय बल। जैसे आपने ऊंट गाड़ी देखी है, बैलगाड़ी देखी है, गधों पे सामान को लाद के ले जाते हुए देखा है, देखा है। ऊंट गाड़ी पे क्या होता है, कोई भी सामान हम उस पर रख देते हैं और ऊंट उसको खींच के ले जाता है। ऐसे ही जो बैल होते हैं वो भी बैलगाड़ी पे हम क्या करते हैं, कोई भी सामान रख देते हैं, वो भी उसको खींच के ले जाते हैं। किसान ज्यादा प्रयोग करते हैं इसका, बैलगाड़ियों का। किसान होते हैं वो बैलगाड़ियों का ज्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अपने खेत पे जाते हैं और खेत पे जो भी उनकी चारा वगैरह होता है उस पर रख के और वो लेके आते हैं। ऐसे ही गधे का प्रयोग होता है, गधे पर कोई भी साइड में सामान भरा और ले गए। तो ये जो जानवर हैं वो कौन सा बल लगाते हैं? मांसपेशीय यानी पेशीय बल लगाते हैं। अगर हम ये, मैं किताब को ऐसे उठाऊं, कौन सा बल लगा रहा हूं मैं इस पे? पेशीय बल लगाया मैंने। लकड़ी को मैं काट रहा हूं, कौन सा बल लगाया मैंने? पेशीय बल। तो अब समझ में आई पेशीय बल क्या होता है, यानी हमारी मांसपेशियों द्वारा, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया जो बल है वो कौन सा बल कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है, ठीक है। यानी पेशियों द्वारा जो बल लगता है वो कौन सा बल होता है? पेशीय बल, ठीक है। दूसरा बल आता है घर्षण बल। जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये बॉल है, ठीक है, इस बॉल को मैं ऐसे चलाऊं यहां पर तो ये कुछ देर बाद रुक जाएगी, थोड़ी देर और मैं इसको और ढुकाऊं तो ये कुछ देर बाद जाके और क्या हो जाती है? रुक जाती है। यानी जब बॉल लुढ़कती है तो हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। ऐसे ही जब हम साइकिल पे पैडल लगाते हैं और कुछ देर बाद पैडल बंद कर देते हैं तो हम देखते हैं थोड़ी दूर जाके वो जाके और बंद हो जाती है। ऐसे ही गाड़ी को हम तेज भगाते हैं और तेज भगाकर एकदम
उसका इंजन बंद कर देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कुछ दूर तक तो गाड़ी जाएगी, लेकिन उसके बाद में गाड़ी क्या हो जाती है, रुक जाती है, ब्राम अवस्था में आ जाती है। कौन सी अवस्था में आ जाती है? ब्राम अवस्था। तो इससे हमें ये सीखे कि इनके बीच में, इनके मध्य में कोई ना कोई बल कार्य कर रहा है, इनके बीच में कोई ना कोई तो बल कार्य कर रहा है, तभी जाके ये रुक रही है। तो वो बल कौन सा है? तो वो बल है घर्षण बल। यानी वस्तुओं की सतह के मध्य में जो बल लगता है वो लगता है घर्षण बल। कौन सा बल लगता है? घर्षण बल। और घर्षण बल सदैव हमेशा के लिए गति का विरोध करता है और गति की विपरीत दिशा में लगता है। कौन सी दिशा में लगता है? विपरीत दिशा में। यानी ये वस्तु को रोकने का कार्य करता है, गति का विरोधी है। घर्षण बल है वो किसका विरोधी है? गति का। पंखा को आप स्पीड देके छोड़ दो, आप देखोगे कुछ समय के बाद में पंखा रुक जाएगा। कौन सा बल कार्य कर रहा है इस पर? घर्षण। घर्षण बल गति का विरोध कर रहा है और उस विरोध के कारण वो उस वस्तु की गति को रोक देता है। समझ में आ गई घर्षण बल? ठीक है, तो ये हमने बात की दो बलों की, एक तो घर्षण बल और एक पेशीय बल। अब बात करते हैं हम चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत और गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इन तीनों बलों को प्रैक्टिकली समझेंगे। पंखा बंद कर रहे, ये हमारे पास क्या है? चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है। अब चुंबकीय बल, बलों के अगर प्रकार की बात करूं मैं, किस प्रकार का बल है? संपर्क है या असंपर्क है? असंपर्क। इसका मतलब बल कार्य करेगा लेकिन संपर्क नहीं होगा, बल कार्य करेगा लेकिन संपर्क नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं चुंबक को पास ला रहा हूं तो मैं अनुभव कर पा रहा हूं कि ये चिपक रहा है, चिपक रहा है, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं, फिर भी ये बल कार्य कर रहा है, फिर भी ये बल कार्य कर रहा है। चलो इसको ऐसे सीखते हैं, जैसे देखो जब हम इसके विपरीत ध्रुव को पास ले जाएंगे, चिपक गया, चिपक गया कि नहीं? अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लूं और फिर इस पे इसको पास लाऊं, तो देखो दूर, देखो दूरी से काम करा ना, पर देखो ये काम कर रहा है, देखो तो दूर से ही काम कर रहा है, मतलब बिना संपर्क के भी ये बल लगा रहा है इस पे। तो ये तो हमने बात कर ली चुंबकीय बल, और चुंबकीय बल है वो कैसा बल है? असंपर्क बल है। ठीक है, चलिए दूसरा बल देखते हैं। अब पहले नंबर का था, दूसरे नंबर का बल है कौन सा बल है? स्थिर वैद्युत। स्थिर वैद्युत, बल स्थिर वैद्युत बल आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण उत्पन्न होता है? आवेशों के कारण। ठीक है, इसको ऐसे सीखते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास छोटी बॉल है थर्माकोल की। किसकी बॉल है ये? थर्माकोल की बॉल है। हम किस बल के बारे में जान रहे हैं? स्थिर वैद्युत बल। तो दो आवेशों के कारण ये बल उत्पन्न होता है, यानी कि दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास आएंगे तो वो एक दूसरे को क्या कर लेंगे? अटैक करेंगे। जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेन है, ठीक है, और मैं इस पे आवेश उत्पन्न करूं, क्या करूं? आवेश उत्पन्न करूं, तो मैं इसको ऐसे रगड़ूंगा, क्या कर रहा हूं? मैं रगड़ रहा हूं अभी इसको। ठीक है, अब मैंने इसको बालों से रगड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि मैं घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉन है वो, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ? आदान प्रदान हुआ। अब मैं जब इसको इसके पास ले जाता हूं, देखो दूर से ही, तो दूर से ही ये इसको चिपका रहा है कि नहीं? चिपका लिया। तो इससे आपने देखा कि ये आवेशों के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो कौन सा बल होता है? स्थिर वैद्युत। हां जी, अब तीसरे नंबर का बल है कौन सा बल है? तीसरे नंबर का बल है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल? गुरुत्वा। गुरुत्वाकर्षण बल से तो आप परिचित हैं,
पृथ्वी होती है वो भी प्रत्येक वस्तु पर बल लगाती है। आपने सुना है वो न्यूटन वाली कहानी, वो पेड़ के नीचे सो रहा था, सेव गिर गया। हाँ, बस तो वहीं से उसने क्या दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम दे दिया। किसने? न्यूटन ने। कि वस्तु है वो नीचे ही क्यों करती है, पृथ्वी पर ही क्यों करती है, वो आसमान में क्यों नहीं जाती, अंतरिक्ष में क्यों नहीं जाती। उसने इससे पाया कि पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु पर एक बल लगाती है। पृथ्वी भी प्रत्येक वस्तु पर क्या लगाती है, एक बल लगाती है, और उस बल का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल है? गुरुत्वाकर्षण बल। आज बलों के बारे में जाना, संपर्क और असंपर्क बल। अब आप हेडिंग लिख लो बलों के प्रकार, और इसमें दो प्रकार लिखो। पहला लिखो संपर्क, और उसमें कौन कौन से बल लिखोगे? एक तो आप लिखोगे संपर्क बल में लिखना पेशीय बल और घर्षण बल। संपर्क बल में दो पॉइंट बनेंगे आपके, पेशीय बल और घर्षण बल। ठीक है, पहला पेशीय लिखना और दूसरा, हाँ, हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। अगली हेडिंग लिखो घर्षण बल। घर्षण वह बल है जो दो संपर्कित सतहों के मध्य लगता है। संपर्कित, यह गतिशील वस्तुओं पर लगता है और सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है। लगता है और सदैव गति की विपरीत दिशा में लगता है।